शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर खास में रविवार को सुबह करीब 11 बजे पेशे से शिक्षिका 50 वर्षीय डेविना मेजर अपनी 15 वर्षीय बेटी डेलिफिना मेजर के साथ लेकर स्कूटी से बशारतपुर पूरब मोहल्ला स्थित अपने मायके माँ निर्मला अंद्रिशांस से मिलकर अपने घर बशारतपुर पश्चिमी टोला जा रही थी। अभी वो रास्ते के मोड़ पर पहुंची थी कि पीछे से बाइक सवार दो बदमाशों ने माँ बेटी को गोली मार दी, जहां माँ का मुंह, पेट और एब्डोमेन में तथा उनकी बेटी डेलिफिना को दो गोली पेट में लगी है। गोली चलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी तथा स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 50 वर्षीय शिक्षिका डेविना मेजर को मृत घोषित कर दिया तथा गंभीर रूप से घायल उनकी बेटी को आईसीयू में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। मृतिका डेविना पिपराइच विकास खंड के पतरा स्थित जूनियर हाई स्कूल की अध्यापिका थी। इन्होंने अपने पीछे पति और एक बेटी और एक बेटा को छोड़ गई है। घटना में गोली से घायल बेटी डेफिना सेग्रेड हार्ट एकेडमी में कक्षा 11 की छात्रा है तथा 10 वर्षीय छोटा बेटा आरुष LFS धर्मपुर का छात्र है। घटना की सूचना पर मौके पर DIG रेंज राजेश डी मोडक, SSP जोगेंद्र कुमार, SP सिटी डॉक्टर कौस्तुम, SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह, थाना प्रभारी शाहपुर सहित क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल जांच पड़ताल में जुट गए। फिलहाल अभी तक गोली चलने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका डेविना अपने मायके के बगल में प्लाट लेकर घर बनवा रही थी, जिसमें बाउंड्री को लेकर कुछ दिन पहले पड़ोसी से विवाद हुआ था, जो थाने से लेकर कचहरी तक पहुंचा है। फिलहाल दिन दहाड़े हुई घटना से हरकत में आई पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए DIG रेंज राजेश डी मोदक ने कहा, ये जल्दी से जल्दी हो पाँच हमारे SSP और कुछ लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि घटना क्या है एक्जैक्ट, और जब भी हम इसको खुलासा करें हॉस्पिटल है, मैं मामला
पांडे भी तो बुलवाइए, पांडे भी तो आधे घंटे के अंदर। मेरा नाम अमित माई। हम लोग अंदर बैठे हुए थे, मैं चर्च का पास्टर हूँ, तो हम लोग यहाँ पर आराधना कर रहे थे। आराधना के बाद हम लोग चाय पी रहे थे, देखा एक आवाज़ सी आई, पट से आवाज़ आई, तो हमें लगा बच्चे खेल रहे होंगे, शटर पे किसी ने डीला ला मारा होगा। तो उसके 9 सेकेंड के बाद फिर एक और आवाज़ आई पट, फिर और लगातार जो 3 जब आवाज़ आई हैं, तो हम लोग बाहर आए, देखा तो एक लेडी यहाँ बैठी हुई थी, उसके खून निकल रहा था यहाँ से। तो कुछ बच्चे चिल्लाए बोले वो चेन खींची, किसने चेन खींची है, तो हम लोग को लगा शायद चेन स्नैचिंग की गई है। तो इसके चलते हम लोग भागे, क्या होगा, तो हम लोग पूछे भाई क्या हो गया, लेडीज़ को उठाएंगे, तो देखा एक बेटी, एक लड़की यहाँ बैठी थी, एक आंटी थी, तो किसने बताया ये माँ बेटी है। तो हम लोग ने इंसान के नाते उनको फिर उठा के अपनी गाड़ी में बैठा ला, बेटी को बैठा ला के उनकी माँ के पीछे बैठा ला, अस्पताल लेके पहुँचे तब तक डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो मृतक हो चुकी हैं, और जो बेटी थी उसके गोली यहाँ से लगी और यहाँ से निकल गई, बेटी अभी ठीक है। 60% तो मैं समझता हूँ कि वो बेटी ठीक है। या कुछ सुनने में सर नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ CCTV लगा तो भी नहीं है, ना कोई कॉलिंग किसी। बाकी बेटी का मैंने फ़ोन अपने पास लेके रखा था, और उनके जब वो एक्सपायर जो हो गई है, उनका नाम डेविना है, तो उनके साइड से पर्स लगा हुआ था, तो जब उनको मैंने जब डॉक्टर कहा ये एक्सपायर हो चुकी है, तो उस पर्स को लेकर मैंने गाड़ी में रख लिया, पर मैंने वहाँ पर किसी को दिया नहीं, मुझे लगा शायद यहाँ पर देना ठीक नहीं है, उनके फैमिली को दे दूँगा, क्योंकि उसमें शायद पैसे वैसे थे, क्योंकि वो पर्स हल्का सा खुला हुआ था और एक किताब लेकर फ़ोन रखा था उसमें। तो जब यहाँ पर मैं आया, तो यहाँ के जो अधिकारी पुलिस वाले उनके हैंड ओवर मैंने दोनों फ़ोन, बेटी का भी और माँ का भी, दोनों फ़ोन और पर्स दिखा। लोग यही लोकल दशहरपुर के रहने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि करीब करीब 3 या 4 राउंड फायर हुए, उसमें जो लेडी थी, जो बेटिया की माता थी, उसको गनशॉट इंजरी से उसको हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको डेथ डिक्लेयर किया गया है। बेटी अभी ठीक है, उनको ICU में रखा गया है, और जैसे कि अभी खबर मिली है शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो ये एग्जैक्टली घटना क्या है अभी पता नहीं चल पाया है, हो सकता है इसमें कोई प्रॉपर्टी या फैमिली या कोई भी मैटर निकला है, लेकिन अभी हमने जो बेसिक पूछताछ की है इसमें अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, और जल्दी ही हम इसको क्रैक करेंगे, और ये हमारी बहुत टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट है, बिकॉज इसमें महिला के विरुद्ध अपराध हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी वर्कआउट हो। हमारे SSP जो गोरखपुर है, उन्होंने अपने तरफ से 3-4 टीमें इसमें तुरंत ही लगा दी है, और कुछ लोगों से हम बात भी कर रहे हैं, उनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं कि ये घटना क्या है एग्जैक्टली, और जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गोरखपुर की टीम पे कि वो इसको जल्दी ही वर्कआउट करेंगे। नियर फ्यूचर में कभी ऐसी तरह की घटना नहीं हुई है, ये अपने आप में एक अलग घटना है, और हमको पूरा विश्वास है हम इसको जल्दी वर्कआउट करें। जो महिला है उनको 2 गोली लगी है, और बिटिया को 1 गोली लगी है, एग्जैक्ट डिटेल डॉक्टर बता पाएंगे और भी, लेकिन इस तरह की घटना हो सकता है। देखिए, मैं अभी इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि जमीनी रंजिश भी हो सकता है एक वन ऑफ द मोटो, तो हम, लेकिन मैंने SSP को डायरेक्शन दिए कि ये घटना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रायोरिटी पे लेके इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करें। नहीं, शी इज़ वर्किंग वूमन, और आज लेकिन संडे था, तो वो अपने घर से अपने नानी के घर जा रही थी। अभी नहीं, अभी